तो नमस्कार दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जस्ट आगे खड़े हुए हैं और परीक्षा में हो रही देरी को लेकर के और नई सीट को जुड़वाने के लिए हम लोग निरंतर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और अगर जो आप प्रयागराज में हैं तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे आइए और अपना सहयोग दीजिए। बाकी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो चलिए, क्या आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही है कि 2022 की जो विज्ञप्ति आई थी उसको ध्यान में, सभी लोगों को, बेरोजगार स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए चयन बोर्ड को उसकी तारीख सुनिश्चित करनी चाहिए। और प्रयास तो ये करनी चाहिए कि जो 25,000 शिक्षक की जो वैकेंसी बताई गई है उसको उसमें जोड़ करके इसी वैकेंसी में। भैया अनिल भैया थोड़ा सा दो बातें बोल दीजिए। तो अनिल भैया हम लोग के साथ हैं, अनिल भैया हम लोग के साथ हैं और ये बहुत प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम हम छात्रों के लिए करते हैं और शिक्षकों के लिए करते हैं खास कर पे। तो अनिल भैया क्या लग रहा है, क्या है सार? देखिए, बहुत सार स्पष्ट है कि हम लोग 25,000 सीटों को लेकर के लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि जो भी पद खाली है उसे 6 महीने के अंदर भरा जाए। ठीक है। आज हम लोग अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं कि 25,000 सीटों को आप भरने के लिए क्रांतिकारी तौर पर जो है काम करना शुरू करिए और जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित करिए। एक बात और बता दीजिए कि यहाँ पे प्रदर्शन अभी जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। अगर जो आप भी इलाहाबाद में है, बिल्कुल लोग आए, अध्यक्ष साहब से मुलाकात होगी, क्योंकि देखिए परीक्षा में मनमानी बहुत चल रही है ना, क्योंकि इतने सालों से बच्चे परीक्षा के लिए यहाँ पे दिन रात। ठीक है अनिल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, छात्र यहाँ पे लगे हुए हैं।